आपने संघ के बारे में तो खूब सुना होगा। आए दिन विपक्ष में बैठे नेतागण जो संघ के नाम पर सियासत करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि संघ क्या है? दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशवराव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। बता दें कि संघ के प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भावजी कावरे, अरणा साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का नाम क्या होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। संघ के अंदर बैठे लोगों का उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहां तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को तय हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सर संघचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन तीन नामों पर विचार हुआ, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। हेडगेवार ने व्यायाम शालाएं या अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। आरएसएस का दावा है कि उनके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुषांगिक संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती हैं। करीब 13,857 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांव में शाखा लग रही है।